हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी, पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी को इस तरह से कट कर ले, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट के लिए रख दे। नमक डालने से पत्ता गोभी थोड़ी मीठी मीठी नहीं लगेगी और जल्दी से पक जाएगी। 10 मिनट हो गए, अभी मैं पत्ता गोभी को अच्छे से धो लिया है। देखिए, धो पानी से। पत्ता गोभी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 आलू, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़े से मटर और पत्ता गोभी। सबसे पहले पैन में तेल गरम करते हैं। तेल गरम हो गया, उसमें जीरा डालते हैं। जीरा तड़कने के बाद मैं उसमें लहसुन डाल रही हूँ थोड़ा सा। लहसुन को 2 मिनट तक फ्राई कर ले। लहसुन फ्राई होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी 2 मिनट तक पका ले अच्छे से। हरी मिर्च पक जाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आलू, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। आप कैसे भी कट कर सकते हैं आलू को। आलू को भी 2 मिनट तक पका ले अच्छे से। देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए, आलू अच्छे से पक गए। अब इसमें आप पत्ता गोभी ऐड करें। पत्ता गोभी को भी 5 से 6 मिनट तक पका ले तेल में अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छे से पक जाएगी। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही पक जाएगी ये। पाँच छः मिनट तक ढक्कन लगा के रख दे आप इसको। देखिए, आप 5 से 6 मिनट हो गए हैं, पत्ता गोभी आधी से ज़्यादा पक गई है। अभी मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक मटर को भी पका ले अच्छे से। मटर पक जाने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करें और टमाटर के साथ ही आप सारे मसाले ऐड कर लें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 थोड़ा सा नमक। नमक पहले डाल रखा है पत्ता गोभी में, तो बिल्कुल कम डाले आप। और मसाले को अच्छे से पका ले। गैस को कम रखें और हिलाते रहे बार बार। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल सही तरीके से। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो आलू थोड़े से कच्चे हैं और पत्ता गोभी के कच्ची है, वो भी पक जाए सही से। पानी डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगा के रख दें। आपको इस सब्जी बनाने में से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, कट करके सब कुछ करके। देखिए, कम से कम 6 मिनट हो गए हैं और पत्ता गोभी अच्छे से पक गई है। बिल्कुल भी आलू कुछ भी कच्चा नहीं रहा है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। अभी गैस को बंद कर दे आप। बन गई है सब्जी हमारी। पराठा बनाने के लिए मैंने पहले आटा गूंद रखा था, जो नॉर्मल आटा हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। अब
अभी थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पराठा को बेलते हैं। मैं तिखोना पराठा बना रही हूँ, कैसा भी पराठा बना ले जो आपको पसंद है। पैन को गरम कर ले, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा ले और पराठा को रख दे धीमी आंच में पकाए पराठे को एकदम, ताकि पराठा जले नहीं और अच्छे से सिके। देखिए हमारा पराठा अच्छे से फूल रहा है, तब आप उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा ले। अब पराठे को पलट पलट कर सेक ले अच्छे से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखें। देखिए कितने अच्छे से बन रहा है हमारा पराठा, बिल्कुल भी नहीं जला है। मैंने पराठे को अच्छे से सेक लिया पूरा। अभी इसको एक प्लेट में लेती हूँ मैं। पराठे को सर्व करती हूँ मैं सब्जी के साथ, जैसे आपको पसंद है वैसे लेके आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी पत्ता गोभी की सब्जी और पराठे पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी इतनी अच्छी सब्जी, इसे आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं अपने, बिल्कुल टेस्टी है।